हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक विद मलिक में। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा ONGC के बारे में। देखिए, उन्होंने अपना क्वार्टर वन का रिजल्ट पेश किया है और उसमें इन्होंने जबरदस्त ग्रोथ हासिल की है। साल दर साल पर सालाना आधार पर देखें तो उन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। चलिए शुरू करते हैं। इसके जो इन्होंने अपना क्वार्टरली रिजल्ट पेश किया है वही बताऊंगा, और इन्होंने एक छोटा सा डिविडेंड अनाउंस किया है वो भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम समझने की कोशिश करें कि ये शेयर अपने 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहा है इस टाइम। और मेरा मानना है कि किसी भी कंपनी के अंदर, देखिए मेरी खुद की सोच है, मैं ये नहीं कहता कि मैं जो कह रहा हूँ आप वही करें और वही सही है, ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी बड़े बड़े जानकारों की भी, एनालिस्ट जो होते हैं उनों की भी जानकारी उल्टी पड़ जाती है, बताते कुछ और हैं, दिखता कुछ और है, कंपनी में हो जाता कुछ और है। जैसे कि किसी कंपनी ने बहुत बेकार रिजल्ट पेश किया लेकिन उसके बाद भी शेयर का प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर चढ़ जाता है। कभी कभी देखने को मिलता है किसी भी कंपनी के अंदर बहुत अच्छा उसका जो प्रॉफिट होता है वो ग्रोथ करता है और रिजल्ट अच्छे आते हैं, लेकिन अच्छे रिजल्ट आने के बाद भी कंपनी का शेयर गिरता है। तो देखिए, कुछ भी हो सकता है इसमें, इसीलिए शेयर मार्केट को कहा जाता है कि बहुत रिस्की चीज़ है, इसके अंदर बहुत सोच समझ से काम करना चाहिए। तो देखिए, मेरा मानना यही है कि 52 वीक हाई पे काम ना करें तो बेहतर है, लेकिन कभी इसका उल्टा भी हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि 52 वीक हाई पे काम कर रहा है तो उससे ऊपर नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकल सकता है। 52 वीक हाई के ऊपर भी जा सकता है और 52 वीक लो के नीचे भी आ सकता है। तो चलिए, इसके थोड़ी बहुत जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं और आपको वो न्यूज़ भी दिखाता हूँ। देखिए, वो न्यूज़ ये है, आप यहाँ देख सकते हैं 11 अगस्त 2023 की न्यूज़ है। ONGC नेट क्वार्टर वन रिजल्ट कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सोर्स 102% टू 17,383 करोड़। तो देखिए, मैंने आपको दिखाया इन्होंने क्वार्टर वन का रिजल्ट पेश किया है, 102% की ग्रोथ हुई है एक साल के अंदर। पिछले साल जून के रिजल्ट जो आए थे उसमें 8,000 कुछ का इन्होंने प्रॉफिट किया था, लेकिन इस बार 17,383 करोड़ का प्रॉफिट हुआ कंपनी को। लेकिन दूसरी तरफ देखें, लेकिन देखिए इसका सेल्स देखें हम, जून 2023 में नेट सेल्स एट 163,823.59 करोड़, डाउन 10.43% ईयर ऑन ईयर। ये कंपनी ने प्रॉफिट तो किया है लेकिन सेल्स घटी हैं, 10% कंपनी की सेल्स घटी हैं। तो देखिए, एक तरफ से इसको प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन सेल्स कम हुई हैं। अब देखिए, इसके दो न्यूज़ आ गई, प्रॉफिट बढ़ा है सेल्स घटी हैं, लेकिन कौन सी न्यूज़ पॉजिटिव काम करेगी और कौन सी निगेटिव काम करेगी मार्केट में, इस बात को कोई नहीं कह सकता। सेल्स घटी हैं लेकिन प्रॉफिट बढ़ा है, जहाँ तक मेरा मानना है कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो ये न्यूज़ ज़्यादा काम करेगी, जहाँ तक मेरी जानकारी है। चलिए, मैं आपको दिखाऊं कि एनालिस्ट क्या कहते हैं इस बारे में, इस शेयर को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए वो भी देखते हैं। इसका कम्युनिटी सेंटीमेंट्स देखें तो ऐसा बाय करने के लिए बोला जा रहा 75%, होल्ड करने के लिए, सेल करने के लिए बोला जा रहा 25%, होल्ड करने के लिए कोई भी नहीं कह रहा है उसको होल्ड करें। बाय और सेल की कहानी चल रही है। तो देखिए, मैंने आपको उसका कम्युनिटी सेंटीमेंट्स भी दिखा दिया और सेल करने के लिए और बाय करने के लिए कितने परसेंट लोग बोल रहे हैं ये भी दिखा दिया। और मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने 50 पैसे प्रति शेयर का एक डिविडेंड भी अनाउंस किया हुआ है। तो देखिए, डिविडेंड बहुत कम है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मैंने जानकारी आपको दी, वो जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता, हमें मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और अच्छी वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।